हेलो सर्व इंजीनियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्व सोसाइटी। इन दिस वीडियो आई डिस्कस यू द रोड फंक्शन, थर्ड ऑप्शन स्पाइरल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मशीन को बैक साइड कर लीजिए। आप BSAZ से कर सकते हैं, BSNZ से भी कर सकते हैं, इस सेक्शन में भी कर सकते हैं। तो मेरी सेक्शन में करेंगे एंटर। तो आपका हो गया है डिसेक्शन हो गया, फिर स्पाइरल। पिछली वीडियो में स्पाइरल KA/KE का बारे में, KA KE1, आज बात करेंगे KA KE2। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। एक आरीवाल पैनल है, ये आरीवाल सेक्शन है जहाँ इंटरचेंज 4 है। ये जहाँ से आरीवाल शुरू हो रहा है 0+150, वहाँ से लेके 0+350 का पूरा ये स्पाइरल में कार्व है। और ये रेफरेंस पॉइंट मेरे पास है स्टार्टिंग चेनेज का और एंडिंग चेनेज का, जो सेट आउट डाटा होता है उसमें। और इसका रेडियस है 90-90 दिया हुआ है, यानी लेफ्ट साइड 90 है और लेंथ है 350 मीटर। मैं मशीन में आपको दिखा देता हूँ रोड स्पाइरल। पहले वाला वीडियो में तो हम लोग देखे थे स्पाइरल KA KE2। स्पाइरल रेफरेंस पॉइंट P, यानी रेफरेंस पॉइंट जो है, कोई भी आपका रेफरेंस पॉइंट रहेगा वो इसमें डालना है। तो ऑलरेडी मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है 10, देन ओके स्पाइरल /2 10 पॉइंट, यानी जो ट्रांजेक्शन पॉइंट है और ट्रांजेक्शन ट्रेंड पॉइंट जो है आपका वो 350 है चैनल, उसको डाल देता हूँ मैं 11। आपको मैं समझा दूँगा इसको पेपर में, देन ओके। मेरा जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट कर लेता हूँ। और पैरामीटर आपको जो फॉर्मूला बताया था, रूट ओवर टोटल आपका रेडियस है इनटू आपका लेंथ है। रेडियस और लेंथ मेरा है -90, यानी 90 इनटू लेंथ 350, यानी 350 जो रेडियस आएगा वो पैरा है, पैरामीटर इसमें डालना है। तो मैं डाल देता हूँ पैरामीटर, कैलकुलेशन करके आया है जो फॉर्मूला है 177.482। जहाँ से स्पाइरल शुरू हो रहा है पॉइंट लेंथ, वहाँ 100 मीटर है साइड के अकॉर्डिंग। ऑफसेट 0 रख रहा हूँ। पॉइंट सेट आउट पॉइंट लेंथ 10 मीटर दिया हूँ, देन ओके। फिर सेम जो पिछली वीडियो में दिखाया था SO में क्लिक किया ओके, यानी 150 चेनेज में जो स्टार्ट हुआ था तो ये 160 चेनेज का हो गया। अगर आप सेंटर में ये 0 देंगे तो 150 का सेट आउट डाटा आ जाएगा। यहाँ से 52 मीटर आप देख सकते हैं। और सेंटर चेंज करेंगे 10, फिर सेट आउट, फिर ओके। सेम प्रोसेस में आपको कंटिन्यू जितना मीटर आपका रिक्वायर्ड है वो डाल सकते हो। सेंटर दबा के 20 ओके, SO ओके, 100 फिर ओके, फिर SO फिर ओके, आप ऐसे दे सकते हैं। विड्थ भी देख सकते हैं आप, चाहे तो आप माइनस में भी डाल सकते हो लेफ्ट साइड के लिए, और प्लस होगा तो उसमें कुछ नहीं डालना है। था KA KE2 का वीडियो। अगर ये वीडियो में थोड़ा बहुत आपका कन्फ्यूजन होगा तो ऊपर में जो फर्स्ट वीडियो दिया था KA KE1, वो वीडियो देखेंगे तो आपका ड्राइंग के हिसाब से मैं बनाया था वो आपको समझ आ जाएगा। स्पाइरल है जो फर्स्ट पॉइंट में इंडिकेट किया था, तो ये फर्स्ट पॉइंट है KA, और जो 10 पॉइंट था ये 2, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये 2 पॉइंट नंबर 2 है। इसके बाद जो भी आपका कर्वेचर होता है स्पाइरल होता है वो बन जाता है। और ये कोई भी आप लेंथ दे सकते थे, तो ये लेंथ मैं दिया था 100 मीटर। आप चाहे तो जो भी आपका कैड में आएगा जो सीनियर है वो दे देगा। मैं 2 नंबर पॉइंट ये देता हूँ, जो 10 पॉइंट था रेफरेंस पॉइंट ये था फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट।
100 मीटर था, और इसका जो पैरामीटर आया था वो आया था 177.842, वो इसीलिए हुआ था पैरामीटर का है। टोटल लेंथ हो गया था इसका 350 मीटर, तो 350 इंटू, और ये लेफ्ट साइड कर्व रेडियस था 90, तो यही आया था 177.842। रूट ओवर टोटल रेडियस 90 डिग्री और टोटल लेंथ, सॉरी रेडियस इंटू टोटल लेंथ, यही था। जो फास्ट वीडियो था उससे और इसमें डिफरेंस यही था। फास्ट पॉइंट में आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट दिया था, इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट कर्व का फास्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा है, तो कमेंट भी कर दीजिएगा। सर्वे सोसाइटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।